झारखंड में लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए झारखंड सरकार ने इसे सख्ती से निपटने के सभी बॉर्डर को सील कर दिया है। जोरदहा चेक पोस्ट जो झारखंड बिहार का बॉर्डर है, उस चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण करने पहुंचे बरही एसडीओ डॉक्टर तारा चंद ने कहा कि अभी भी लोग घरों से बाहर निकलकर जरूरी कार्यों के अलावा भी कई अन्य कार्य का बहाना बना रहे हैं। उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि यह रोक टोक सरकार आपकी भलाई के लिए कर रही है। जिस वक्त निरीक्षण का कार्य चल रहा था, उस वक्त भी सवारी गाड़ी में लोग भर भर कर झारखंड बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, जिसे एसडीओ ने सीमा पर ही रोक दिया। डॉक्टर ताराचंद इस वैश्विक महामारी में लोगों को इलाज भी कर एक सामाजिक कार्यरत कर रही हैं। वहीं बरही एसडीपीओ नाजीर अख्तर ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर चौपारण प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौपारण थाना प्रभारी विनोद तिर्की और भी कई पुलिस जवान शामिल थे। हजारीबाग से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। ड्यूटी तो अपने अपने हिसाब से जो वीडियो साहब यहाँ के हैं और साथ ही साथ यहाँ के थाना प्रभारी, उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। उनका स्टेट चेक पोस्ट के साथ मूल संसाधन कोरोना के टेंट की व्यवस्था जहाँ हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस बैठ सकें, दूसरे बसों की जाँच के लिए हमारे पास फोर्स की डेप्यूटेशन है, तीसरा ई पास बनाने के लिए अगर किसी का फैसिलिटेट करना उसकी सुविधा, मेडिकल टीम की सुविधा की जा चुकी है, साथ ही साथ सीसीटीवी का, खाने का प्रोविजन जो हमारे स्टाफ रहेंगे अपने जैसे यात्री की देर तक रुके हैं उनके खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वो सब किया हुआ है। तो मूल रूप सारी सुविधाएं आपके लिए और कल से ही राज्य सरकार के आदेश के साथ 16 तारीख से चालू है। तो मूल रूप सारी सुविधाएं के लिए और कैंप चल रही है। होपफुली हमारे पैसेंजर जो इमरजेंसी केसेस में ट्रेवल कर रहे हैं उनको भी सुविधा मिले, और साथ ही साथ हमारे जो कर्मी भी यहाँ पर कैंपेड है उनको भी सुविधा मिले, और राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है उसको आम जनों का सर कंप्लेन है ई पास काम नहीं कर पा रहा है सर झारखंड ई पास। ये तो साइट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, अगर कुछ किसी हो सकता है उसमें ये आकलन नहीं कर पाएगा कितना रस रह सकता है। एक दो दिन में पोस्ट और इस राज्य सरकार की तरफ से इसको सुधारा जाएगा और चुनाव देखिए कर देगा इसको। एक अंतिम प्रश्न सर, आप डॉक्टर के रूप में कैसे महसूस कर पा रहे हैं इस पूरा कोरोना काल? देखिए कोरोना काल डॉक्टर के रूप में महसूस करने की बात नहीं, ये जो डिसीज़ है सबके लिए नया, चाहे वो डॉक्टर हो या आम जनता हो, सबके लिए नया। हर दिन आप देखेंगे कि इस डिसीज के बारे में नए नए कुछ डाटा आते रहते हैं और हम लोग हर वक्त अपने आप को उसके हिसाब से ढालते हैं। तो डॉक्टर रूप में ये कि थोड़ी सहूलियत होती है चीज़ों को समझने में, परंतु हम लोग जितने नादान हैं इस नए डिसीज़ के बारे में उतना ही आम पब्लिक। तो सबसे यही रिक्वेस्ट होगा कि राज्य सरकार और डॉक्टरों के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसको आप अनुपालन करें और इस आपदा में साथ मिलकर लड़कर इसको हरा दें। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।